देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि इस मछुआ समुदाय के एक बेटे को जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें हमें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और जो मछुआ समुदाय कभी सपा कभी बसपा कभी कांग्रेस में पड़ा रहता था और उनको ठगा गया, आज ये समुदाय एक है। पहले इनके ऊपर पौआ का लेवी लगा कर इनका वोट लिया गया, झगुआ भर वोट को इनको पाँव में रखा गया। आज के दिन में कम से कम इन सारी पार्टियों ने इनके साथ उसी तरह का अन्याय किया जैसे अंग्रेजों ने अन्याय किया था, इनके साथ शोषण किया, इनको शिकार बनाया। आज पहली बार ये हिस्सेदार बन रहे हैं, चाहे राजनीति में हिस्सेदारी हो, चाहे आर्थिक हिस्सेदारी हो, चाहे सामाजिक हिस्सेदारी हो। आज के दिन में इनके सारे आर्थिक स्रोतों पर अंग्रेजों ने छीन लिया था कानून बनाकर, उसे मोदी जी वापस कर रहे हैं, चाहे मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, चाहे इनके फ्री बीमा करके, चाहे इनके क्रेडिट कार्ड देकर, बिना किसी गारंटी के मछुआरों के लिए कोलेटरल कार्ड 1,60,000 का। आज के दिन मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है। तो आज के दिन में इस समुदाय को मैं धन्यवाद दूंगा कि कभी ये लोग बिखरे हुए थे, आज मेरी एक आवाज़ पर पूरे प्रदेश में एक हो गए और एक ही नारा जय निषाद राज का। इनको मैंने समझाया कि भाई किसी की हिस्सेदारी झंडे से तय होती है, दलित दलदल में तब तक थे जब तक उनके पास झंडा नहीं था, और झंडा उठाए तो देख लो आज के दिन में, कभी उनके जब तक उनके पास झंडा नहीं था तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और जैसे राजनीतिक रूप से चेतन हो गए, राजनीतिक चेतना आ गई, राजनीतिक रूप से एक हो गए, एक नेता एक नारा एक विचारधारा ले लिया, तो आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा शुरू हो गए। आज कभी ये मछुआ समुदाय निषाद राज गुराज महाराज के वंशज है, कभी त्रेता में भगवान राम के साथ उन्होंने गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर पूरे रावण राज खत्म किया था, और वो गौरवशाली इतिहास अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा 5 साल 16 दिन देश आज़ाद था, उस पर भी गुलाम था, 70 साल से हमने सबको दिया और सबने हमें ठगा। आज के दिन में इन्हें बधाई दूंगा कि आरक्षण के नाम पर पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत अन्याय की, कांग्रेस ने फाइल गायब करी और इनके धोखे से इनको पिछड़ी जात में इनके पुकारू नामों को डाल दिया, ये मझवार गौड़ तुरहिया खरवाल बरार करोड़ कोली शिल्पकार सभी नामों से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। लेदर मैन को मिलता है, वाशर मैन को मिलता है, लेकिन फिशर मैन इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि इनकी उपजातियों को उन लोगों ने जो है पिछड़ी में डाल दिया। एक क्या योजनाएं हैं सर? मैं कह रहा हूँ तो आज के दिन में इनके लिए सबसे पहली बार है, मैंने बताया कि पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना इसीलिए हुई है कि शिक्षा से कोसों दूर हैं, ये विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। आज पहले इनको जो मछुआ कल्याण कोष है उससे सबसे पहला काम होगा कि इनके लिए आवासीय हम विद्यालय खोलेंगे, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके जो मेधावी छात्र होंगे आगे बढ़ाएंगे, उनको कोचिंग कराकर टीचिंग कराकर उन्हें भी IAS PCS और DM कलेक्टर बनाकर उनको भी विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया जाएगा। अब देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो खाता खुला है, पहली बार 70 साल में पहले एक पैसा नहीं देता था इनके बिरादरी को, इनके लोगों की तरफ कोई चिंता नहीं करता था। आज कम से कम तमाम योजनाएं देकर 60% सब्सिडी देकर, आज इस चाहे अनुदान देकर ज्ञान देकर इन्हें आगे करने का काम किया जा रहा है। तो मंत्री जी, आजकल मदरसों का सर्वे चल रहा है, और मदरसों के सर्वे पर आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वे होना चाहिए, बिना सर्वे को हम कुछ किसी को दे नहीं सकते हैं। हमारे पिछली सरकारों ने कितना भेदभाव किया, इतना भेदभाव किया है कि उस सभी जो जातियाँ उपेक्षित रही हैं वो एक होकर मोदी जी के साथ आ गए। आज मुसलमान के वहाँ सर्वे करने का मतलब ये रहा है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है मुसलमान सबसे अधिक गरीब हैं, तो आखिर गरीब कौन बनाया? आखिर इन लोगों ने राजनीति कर रहे थे 70 साल से, तो आखिर इनका वोट लिया, इनके परसेंटेज के हिसाब से गरीबी क्यों आज गरीब बना दिए गए? मोदी जी अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इनका इलाज कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो कब तक ये होगा? सर्वे करके इनको भी धर्म के साथ साथ इनके एकेडमिक शिक्षा चाहिए, इनके भी बच्चे IAS PCS बने, इनके बच्चे भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ लें। अब खाली उनके दिमाग में खाली उन्माद पैदा किया जाए ऐसा नहीं हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना था NDA का सोच है कि जो भी इस भारत का नागरिक है वो सबको समान अधिकार है और सबके लोग मिलना चाहिए, उनके भी बच्चों को पढ़ने लिखने का, उनको भी एकेडमिक शिक्षा मिले। सारे नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और गाँव के गरीबों के बच्चों को खाली धर्म पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी विज्ञान पढ़ने का अधिकार है, उन्हें भी समाज पढ़ने का, उन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ने का अधिकार है, उन्हें भी राष्ट्रवाद को पढ़ने का अधिकार है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराए मैं बधाई देता हूँ। ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मिनी NRP है,
अब देखिए, अब वैसे ही को पूछे कि अपने कहाँ पढ़े थे, उनसे पूछे कि वो किस तरीके से पढ़ के वहाँ आए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, खाली भाषण दें। ओवैसी को जीरो कर दिया, मुसलमान पसंद करना बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में भी, और आप देख लीजिए बिहार। तो जिसको जनता ने स्वीकार कर दिया, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। मुसलमान को चाहिए कि इस भारतीय संस्कृति की स्थापना में साथ दें, जो विघटनकारी ताकतों ने कई सौ वर्षों से, मुगलों ने, अंग्रेजों ने उसे भारतीय संस्कृति को नष्ट किया था, उसे मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करें, इस भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करें, और अब जिस धर्म में आस्था वहाँ पड़े रहें, लेकिन अपने बच्चों को और आने सभी जो आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार के साथ मिलकर उनके बच्चों का भविष्य बनाने का काम। देखिए, मैं तो योगी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि कभी घटनाएं तो हो ही जाती चुटपुट, लेकिन उसकी निंदा करता हूं, लेकिन घटना होने के बाद उसका जांच कराते हैं, जांच में कोई दोषी पाया जाए, कितनो रसूखदार हो, उसे जेल भेजवाते हैं, उसके बाद कड़ी से कार्रवाई करवाते हैं। अखिलेश जी का कहना है कि हाथरस का रिपीट हुई है दोबारा, हाथरस दोहराया गया। देखिए, अखिलेश जी अपने समय को भी तो रिपीट कर ले, देख ले क्या हुआ था, तब यही मथुरा था, क्या घटना हुई थी, जवाहर बाग में क्या घटना हुई थी, इखलाक अहमद के साथ क्या हुआ था, तमाम कुछ भी है अपने गिरिवार में कम जाके। अखिलेश जी को पहले अपनी पार्टी की तरफ देखें, अपने परिवार की तरफ देखें कि वो कैसे बिखरे हुए, उन्हें इकट्ठा करें। अध्यक्ष जी, मदरसों को लेकर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, और अभी भी सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकवादी ATS बंगाल ने गिरफ्तार किया, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ओवैसी को मैंने बता दिया ना, जनता ने खारिज कर दिया, उनके जवाब, उनके सवालों का जवाब, जब जनता जिस नेता को खारिज कर दे उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। सहारनपुर में एक संदिग्ध पकड़ा गया, देखिए वो सरकार और प्रशासन का काम है, अपना कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को, कैसे सेलिब्रेट करेंगे निशा पाटिल? देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश में एक तरीके से इन गरीबों के लिए, किसानों की, नौजवानों के लिए, गांव में रहने वालों के लिए, जो विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर थे, अंतिम किस तरीके से उनके जीवन में अंधकार था उसमें उजाला लाने वाले हैं। तो मोदी जी को हम लोग विशेष तरीके से बधाई देंगे कि कम से कम आज के दिन